नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे सशक्त साधकों में से एक, पंडित सत्यशील देश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत विनम्रता से स्वागत कर रहा हूं आपका। नमस्कार। तो पंडित जी, पहला सवाल तो बहुत स्वाभाविक तौर पर यही है कि बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे नृतक आप जो घरानों से आते हैं, वो कहते हैं कि म्यूजिक हैपन टू मी, मुझसे मुझे संगीत हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। आपके साथ क्या हुआ? क्या प्रयास करने पड़े बचपन में, या बचपन में जिस तरह घर का माहौल था, संगीत खुद ब खुद आपके अंदर आ गया? नहीं, मुझे चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता था। जी मतलब मेरी उम्र के 11-12 साल में कुमार जी मुझे अपने साथ उनके कार्यक्रम प्रस्तुति की एक यात्रा में ले चले थे, नागपुर, रीवा, भोपाल। और उनके पहले मैं गाता था, जी तो संगीत तो था घर के वातावरण में, पर मैंने सीखना भी 8-10 साल की उम्र से शुरू किया था। तो ये तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता चलता है ना, किसी बच्चे में चित्रकारिता का गुण होता है, किसी में संगीत का गुण होता है। पर फिर बाद में सीखना तो जरूर पड़ा, वो पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि जो होता है, जो जो हुआ होगा वो ठीक हुआ होगा ये कोई बता नहीं सकता है ना, वो गुरु ही बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। मैं ये सवाल मैं मधुब जी से भी पूछ रहा था, और जिस तरह के इस तरह के कलाकारों से जब भी मिलने का सौभाग्य होता है तो जरूर मैं पूछता हूँ कि एक तो बचपन है जहां पर गुरु हैं, वो गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं, कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, लेकिन एक वो माहौल जो इतना स्वस्थ माहौल है, जहां पिता तो वही है जो संगीत के बहुत बड़े अध्येता है, उनके अलावा तमाम बड़े कलाकारों का आना जाना है, तमाम बड़े कलाकारों का आशीर्वाद मिलना है, तमाम बड़े कलाकारों को बचपन से देखने और सुनने का मौका आमने सामने मिल रहा है, वो कितना अलग होता है? नहीं, उसका निश्चित ही बहुत उपयोग होता है, जी क्योंकि विद्यालयीन शिक्षा पद्धति में वो माहौल नहीं मिलता है, खाली नीरा व्याकरण मिलता है। और वो संगीत को समझने का एक संपूर्ण पर्सपेक्टिव नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है। गायक लोग उस व्याकरण को लेके उसका कला में रूपांतर कैसा करते हैं, इसके साक्षात उदाहरण जब प्राप्त होते हैं तो आदमी फिर गवैया बनने की दिशा से अपना मार्गक्रमण शुरू करता है, नहीं तो व्याकरण पटु हो जगह रह जाएगा, क्योंकि बगैर गाए भी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं संगीत की परीक्षाओं में, विद्यालयीन परीक्षाएं। क्योंकि हमारे संगीत में जहां व्याकरण को ही कला के गुणरम्य प्रदेशों की सीमा सटी हुई है, वो उससे दूर नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग में जो फर्क है, क्या आप जैसे रवि वर्मा जैसा आपके हस्त रेशाएं आपका रियाज हो तो आप हुसैन जैसे मॉडर्न पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। पर यह द्वंद्व संगीत में नहीं है। संगीत में व्याकरण को, मतलब कुमार गंधर्व भी हो तो उन्होंने जो प्रयोग किए वो व्याकरण के सीमा को सटे हुए ही रहते हुए ही किए हैं। तो ये कलाकारों का माहौल मिलना बहुत जरूरी है। आपके बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती हो, जब आपको सौभाग्य मिला हो, आप छोटे रहे हो, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के, और किसी बहुत बड़े कलाकार के सामने बैठ के सुनाने का कुछ मौका मिला हो, और फिर कुछ उनसे उस उम्र में आशीर्वाद मिला हो, कोई ऐसी घटना? नहीं, एक घटना अभी तुरंत याद आ रही है, वो केसरीबाई केरकर का प्रोग्राम था और मुझे गाने की सूझबूझ थी, तो मैं एकदम स्टेज को चिपके हुए बैठा था और मैं इतने समझदारी से दाद दे रहा था कि उनको इरिटेशन होने लगी उसकी, क्योंकि थोड़ा शो ऑफ एलिमेंट था ना बचपन में जो होता है कुछ लोगों में, मतलब उनका जैसे शैशव उनका एक जरूरी होता है ना कलाकार के लिए, वो शो ऑफ का एलिमेंट 75 के हो गए तो भी रहता है कलाकारों में, पर मेरा 12-15 के साल के बाद ख़त्म हुआ तो उनको इरिटेशन। तो इन्होंने पूछा ये कौन है, तो फिर लोगों ने कहा वामनराव जी का बेटा है, तो उन्होंने कहा इसको अच्छी तालीम दो और तमीज भी सिखाओ साथ में। तो ये एक घटना रही बड़ी तो उस दिन पिताजी से तो डांट नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पूछा तो आपके पिताजी का नाम बता दिया गया, ऐसा तो नहीं घर आके डांट पड़ी हो? नहीं, उनका डांटने का स्वभाव नहीं था। थोड़ी सी बात आपके पिताजी की, और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतने महान अध्येता रहे,
वामन जी, उनकी जो अच्छा उन्होंने खुद भी अलग अलग घरानों से बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब उनके पास भी तमाम संगीत की, शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ थी। उन्होंने आपको एक पिता के तौर पर कौन सी चीजें बताई शास्त्रीय संगीत के, मतलब एक राग सिखा देना, एक आलाप बता देना, सरगम ताने नहीं, संगीत के ग्रामर के लिहाज से क्या कुछ समझाया, क्या कुछ संस्कार के तौर पर समझाया जो आपको हमेशा याद रहता है? नहीं, मैं उनके सामने सीखने को नहीं बैठा, उन्होंने मुझे देवधर जी के पास भेजा सीखने के लिए। और देवधर जी के एक शिष्य थे श्यामराव गुप्ते, उनसे जब मेरी 7-8 साल की उम्र थी तो उनसे मैं सीखा। पर घर के माहौल से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं उसी की मेरे बात पर कर जो रही हूँ। पिताजी के संस्कार, पिताजी से मैंने जयपुर घराने की बंदिशें भी सीखी, क्योंकि इन दिनों उनकी तालीम मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरी जी की माँ, और किशोरी जी का भी आना जाना घर में था, भीमसेन जोशी घर में ठहरते थे। तो उन दिनों वो उनकी घरानेदार गायकी यहाँ किताब लिख रहे थे, तो उसके लिए कई गवैये हमारे घर में आके ठहरते थे और उनकी बहस होती थी कि क्या सही है क्या नहीं है। जैसे मंसूर जी कहते थे कि जयत कल्याण ऐसे गाना चाहिए, तो मोगूबाई कहते थे नहीं ये गलत है, ये ऐसे एक बंदिश है। पर ये सब जो बहस होती थी वो गा करके होती, तो ये गायन के संस्कार मुझ पर हुए। और उसमें जो सत्य मुझे प्रतीत हुआ उस छोटी सी उम्र में ये था कि एक बंदिश मालकोस में होती है या जयत कल्याण में होती है, पर पूरा मालकोस उसी बंदिश में नहीं होता है। वो मालकोस को जब अलग अलग घराने और अलग अलग प्रतिभाएं खोलती है, क्योंकि यह संगीत भारत के 2/3 हिस्सों में गाया गया है, हर एक जगह का भौगोलिक सांस्कृतिक मिजाज अलग होता है, उससे वो राग को, वो जो बंदिश में जो छुपा हुआ राज है वो खोलने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। अभी वही मालकोस अमेरिका कैसा उसको खोलेंगे, जैसे एक बीज को पनपाते हैं वो कैसे पन पाएंगे, और हमारे जयपुर घराने के लोग कैसे पन पाएंगे। तो इसीलिए मालकोस से कोई भी एक राग आपको समझना है तो अलग अलग घरानों द्वारा उसका परिशीलन और उसका उसकी अभिव्यक्ति कैसी हुई है ये समझना जरूरी है। ये पिताजी की तालीम थी, ये पिताजी के तालीम का मैसेज था, मोराल था, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में आप 70 के दशक में कुमार जी के शिष्य हुए, और कुमार जी, संभवतः कुमार जी ये कहते भी थे कि किसी एक राग को देखना हो तो किसी एक नजरिए से मत देखिए, बल्कि 360 डिग्री से देखिए। तो वही बात आप कह रहे हैं। हाँ, पर सबसे बड़ा पिताजी का फायदा ये था कि एक उनका उदारमतवादी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि उन्होंने एक घराने की नींव में मुझे कभी नहीं डाला। एक्चुअली मेरा ये अनुभव रहा है कि जो जिनको मतलब इतने बचपन में संगीत का करियर बनाना है, ये आदर्श शिष्यों के सामने, साधक के सामने रखना ही नहीं चाहिए। उसको संगीत का विषय समझना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि इसमें अपने को जिस भी लेवल पर अपना एक खुद को अंडर एस्टिमेट करके परफॉर्मर बनना है, ये गलत आदर्श है। समझ बढ़नी चाहिए, संगीत समझना चाहिए, फिर उसको स्वयं गाना ये दूसरी स्टेज है। समझ तो आनी चाहिए कि क्या संगीत है। लोग क्या करते हैं, जितना खुद को हासिल होता है उसी को संगीत कहते हैं, ये गलत बात है। ये पिताजी का एक मैसेज था। जी, आपने भी कुछ देर पहले कुछ रागों के नाम लिए, जैत का नाम लिया, मालकोंस का नाम लिया, कुछ छोटा सा अगर आप हमें भी सुनाएं, अपने आपके पास हारमोनियम भी रखा हुआ है, जितना आपका आपका मन करे, जितना आपकी इच्छा करे। गमजानी गम गजानी जडूडे जब सबन
भी देखिए, क्योंकि अभी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह सास ननद और सौतन को अब जरा छुट्टी पर भेजना चाहिए इन विषयों को, इसलिए और ये शब्द प्रधान गायकी तो है नहीं अभी, ये इसकी राग इसकी बंदिश की मैं बढ़त करूंगा तो मालका और स्वर वो तीन ताल है मेरे सामने, मैं मुखड़ा दोहराऊंगा वो इसलिए नहीं कि श्रोता मतिमंद है, वो मुखड़े के भीतर में राग का व्याकरण और कला पक्ष रच बस देता हूँ, यही तो गायक करता है। पर जाते जाते काव्य में कुछ यथार्थ हो तो वो अच्छा है, तो इसलिए काव्य है कि टूटे जब सपन जाना तब थे सपन, मतलब किसी भी सपने के लिए वो सपना है ये सिद्ध होने के लिए उसका टूटना अनिवार्य है, क्योंकि व्हेन यू आर ड्रीमिंग कि ये लाइव ड्रीम इज ऑन, ऐसा कोई मनपटल पर कैप्शन नहीं आता है टीवी की तरह, तो टूटे जब सपन जाना तब थे सपन। और अंतरे में कवि कहता है कि बिछुड़न या मिलन, मतलब एनी टू एक्सट्रीम्स, सांच क्या सपन टूटे सो सपन, जो टूटता है उसे सपना मानो और आगे मार्ग क्रमण करो, ये एक अनआस्क्ड फॉर उपदेश भी है इसमें। जैसे दशरथ जी सबको जय हो आशीर्वाद देते थे आप मांगो या न मांगो, तो ऐसे मैंने भी उपदेश कर दिया इसमें। इसी कड़ी में एक प्रश्न, क्या प्रश्न तो नहीं है, आपके संस्मरण जानना चाहेंगे। कुमार जी के साथ आप लंबे समय तक रहे और उनके बिल्कुल सबसे करीबी शिष्यों में रहे, एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, एक साधक के तौर पर कुमार जी को कैसे याद करते हैं आप? देखिए ये गुरु परंपरा आप समझना चाहिए, कुमार जी के पहले मैं देवधर जी के सांगीतिक विचारों से परिचित था और घर में जितने सब बड़े कलाकार थे तो ऐसे लगता था जैसे भीमसेन जी थे मिसाल के तौर पर, ऐसे लगता था मुझे कि मैं भयानक उनकी तरह घनघोर अगर रियाज में करूं तो उनका गाना मुझे आत्मसात होगा, क्योंकि एक उसमें प्रेडिक्टेबल क्वालिटी थी, जब मेधावी छात्र होता है तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कई अच्छे सुनने वाले होते हैं वो गायक आगे क्या करेगा, अपने तेज बुद्धि से मेधावी अगर बुद्धि हो तैले बुद्धि अगर वो हो तो समझ सकते हैं क्या करेंगे। पर कुमार जी की एक पहेली थी, मतलब वो मेरे पिताजी ने उनके बारे में लिखा है कि अब्दुल करीम खान साहब के भांति के नहीं पर उस दर्जे के उनकी श्रुतियाँ स्वर लगते थे, पर उन्होंने किराने घराने जैसा सुर का काम नहीं किया, मतलब एक स्वर को लेके इर्द गिर्द के कणों को लगाते फिर ग ग म ग ग सा ग म सा ग नि सा ग ध नि सा ग ध नि सा ग म ग, एक प्रेडिक्टेबल स्तर पर उन्होंने सुर पे रुक रुक के उन्होंने किराने घराने जैसा स्वरों का काम नहीं किया, वो आला दर्जे के लयदार थे पर वो लयकारी करने को नहीं बैठे, मध्यले गाते थे तो जो लयदारपन आ जाता था बंदिश को जो सूट करता था, तो ऐसा मतलब जैसे हम आगरा घराने को सुनते थे, बबन हलडर जी को सुनते थे या कादिम हुसैन को सुनते थे तो पता चलता था कि अब ये लयकारी करेंगे, कभी कवियों को सुनते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे बॉलर जैसा स्टार्ट लेता है बॉलिंग के लिए तो पता चलता है ये भी बॉल डालेगा, तो ऐसे अब तान शुरू करेंगे पता चलता था, तो आधी उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी मालूम होने से आधा उसका चार्म चला जाता था। कुमार जी की तान ऐसी थी कि जैसे बॉलर बगैर शॉट लिए अंदर से एक फास्ट गूगली डाले और श्रोताओं के विकेट जाए, तो ये इनकी पहली क्या है, और जो सीखता जो समझ में नहीं आते वही तो सीखना चाहिए ना, तो ये कुमार जी की पहली समझने हेतु मैं उनके पास गया, तो उनकी ये एक क्या कहते हैं, देवधर जी ने जो उनको जैसे अलग अलग घरानों का एक्सपोजर दिया ऐसे कुमार जी ने भी हमको दिया,
मतलब उनके तालीम का अगर मैं वर्णन करूँ तो मानो बिहाग राग चल रहा है। तो वो देखिए पंचम निमोठा दे का जो कणों का सर्वस्पर्शित्व है उससे परिचित कर सकते थे। देखो कहते थे आए इसका मजा उठाते हैं, वो उसी भांति गाते थे। शायद उन्होंने जो राजा भैया पूछ वाले और ग्वालियर के अन्य बुजुर्गों के संस्कार अपने अंतर में संजोए रखे हुए होंगे उन्हीं को वो याद करते थे। फिर कभी बोलते थे गाली नहीं थी। तो इस तरह से आप देखते देखते थे कि अभी आपका ब्याह का रास्ता आप ढूंढो, आपको कैसे गाना है आप सोच लो। मतलब उन्होंने सौंदर्य निर्णय लेने के लिए शिष्य को मोदी जी के पहले आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया कि आपका सौंदर्य निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। आप घराने का या गुरु का गुडविल यूज कर सकते हो, पर कलाकार होने के लिए खुद का संघर्ष करना, खुद संघर्ष कलाकार को करना पड़ता है। यह उनकी सीख थी। उन्होंने कभी उनकी उनकी स्वरचित बंदिश हम पर हावी नहीं की। मतलब मुकुल शिवपुत्र और हम लोग साथ में हमारी बैच थी। उन्होंने हम इतने प्रभावित थे उनके बंदिशों से कि हम गाते थे उनको। पर एक आध बार उन्होंने कोई बंदिश हमको सिखाई भी होगी, पर उनका ये वो कहते थे मेरे विचार लो, मेरा घराना हो कि नहीं हो इसके बारे में मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ। हालांकि अब उनके उनके जो पहले पीढ़ी के जो गायक थे उनका हमको शौक नहीं था। हमको कुमार जी ही अच्छे लगते थे, पर उन्होंने हमको बुजुर्गों के गाने का मर्म समझा के उनका शौक लगाया। जैसे अब्दुल करीम हो, फैयाज का हो, केसर भाई हो, रोशन आरा बेगम हो, बरकत अली हो जी। अब इसीलिए एक बहुत उनका बोल्ड स्टेटमेंट आज से कई बरस पहले आप आया और बहुत चर्चित हुआ कुमार जी का, कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता हूं। संभवतः यही बात जो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा संगीत, लेकिन अपने अपने हिसाब से उसको सीखो। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं गाता हूं या जैसे मैं जो मैं गाता हूं वही आप भी गाओ। और इसीलिए कुमार जी की जो पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान इसलिए भी है जो आप कह रहे हैं,
घरानों की कुलीगिरी से अलग, जबकि खुद कितने अलग अलग घरानों में उन्होंने तालीम ली थी। पंडित जी एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका एक प्रोजेक्ट है मैं पढ़ रहा था और उस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध मेरे इस सवाल से है। नहीं पर अभी आपने जो बात कही उस पर मैं कुछ नहीं, अभी जो आपने कहा ना घराने की, कुमार जी ने कहा घराने की कुलीगिरी नहीं करूंगा, तो मुझमें संयोग वश ऐसा मेरे साथ हुआ कि कुमार जी ने सब घराने का निचोड़ निकाला है और तो अभी हमको और घरानों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरे विचार नहीं थे, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जो अगला सवाल आप पूछने जा रहे हैं, मैंने जो आर्काइवल काम किया संबत फाउंडेशन के जरिए, तो मुझको हर घराने के सौंदर्य मूल्यों को खुद से परखने का अवसर मिला, यही आप पूछने वाले थे ना। नहीं मैं मैंने कहीं पढ़ा कि आपने जो लोग शास्त्रीय संगीत की समझ बिल्कुल नहीं रखते उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जिसमें वो। हाँ पर ये बात सुन लीजिए, उस पर बाद में आता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जयपुर घराने का नाम लेने की, जयपुर घराने की बंदिशे का अगर आप जयपुर घराने की गवैये नहीं हो सकते, जयपुर का सौंदर्य मूल्य क्या, कि मूल्य क्या है ग्वालियर के तुलना में, ग्वालियर में क्या है कि सब कुछ है मगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। ये अगर ग्वालियर की स्टाइल है तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे जैसे ये स्पेसिफिसिटी है ना, सम का मुकड़ा उसी पॉइंट से पकड़ने की बात है। तो ये किसी, ये जयपुर का सौंदर्य तत्व अगर मुझे समझा है तो मुझे जयपुर घराने की बंदिशे गाने की जरूरत नहीं है। मैं दारा सा बिना मेरा सा मतलब कोई भी बंदिश मैं इस स्पेसिफिसिटी से गा सकता हूं। अगर अब्दुल करीम की सुर के अंतरात्मा में जाने की मुझे किराने का सौंदर्य मूल्य मैंने अपनाया है तो किराना घराना जो आज सोमाना पूजा कल्याण में गाता है वो गाने की जरूरत नहीं है। तो कुमार जी ने यही काम किया था जो मैं करता हूं। आगरा घराने के लिए मैं मंगल दिन आज कुमार जी की बंदिश भी आगरा घराने के ढंग से गा सकता हूं अगर मैंने चाहा तो। अभी कल की बात है, मेरे शिष्य को मैं सुर संगत सिखा रहा था, तिन कृतिन तिन ना ना, वो जयपुर घराने की बंदिश है अलादिया खास रचित, तिन कृतिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन कृतिन तिन ना, काय झालं बड़ा करो ना वॉल्यूम थोड़ी कमी ले, देखिए यार जयपुर में, जयपुर के आकार में आलाप करने के बजाय यह भिंडी बाजार घराने के अंक की सरगम हुई। तो भिंडी बाजार घराना गाने के लिए मुझे ना भिंडी बाजार
के घराने की बंदिश जरूरत है, क्योंकि ये तत्व में सरगम को सरगम से कैसे नचाते हैं, एक लिल्ट कैसे पैदा करते हैं, ये आत्मसात करना, ये भिंडी बाजार का मैसेज है, ये भिंडी बाजार घराना समझने की चुनौती है। तो ऐसे कहीं भी कुछ हो सकता है, और सुरमे गाने के लिए कोई भी घराना मना नहीं करता है। थोड़ी देर पहले आप क्रिकेट की का उदाहरण आप दे रहे थे कि बॉलर आता है रनअप से, तो मुझे लगता है कि संभवतः ये जो घरानों की अलग अलग पहचान है उसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर आपको मूलतः क्रिकेट अच्छा खेलना आता है तो आप अच्छे टेस्ट बैट्समैन भी होंगे, आप अच्छे वनडे बैट्समैन भी होंगे और अच्छे T20 बैट्समैन भी होंगे। जी जी पंडित जी, और नहीं तो अंपायर भी हो सकते हैं, अंपायर भी हो सकते हैं, समीक्षक का काम अंपायर के लिए होता है। जी जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए पंडित जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बिल्कुल जो जो संगीत शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं रखते उनको कैसे आपने 25 मिनट 20 मिनट कैसे सुने, वो उस पर क्या क्या राय थी आपकी, क्या विचार थे आपके? नहीं देखिए, ये प्रोजेक्ट इतना मेरे सांगीतिक जीवन में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोजेक्ट ये। हालांकि पुराने जमाने के लोग भी जब 3 मिनट का रिकॉर्ड बनता था तो 3 मिनट में अपना म्यूजिकल कंटेंट देने की कोशिश करते थे, फिर 7 मिनट की EP आई, फिर 20 मिनट का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड आया, फिर रेडियो ने, ऑल इंडिया रेडियो ने आधा घंटे का टाइम ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट बनाया, तो लोग ख्याल की सही वक्त आधा घंटा समझते थे। हालांकि पुराने जमाने में ऐसे नहीं था, जितना फुर्सत होती है गाने वाले को और सुनने वाले को इतनी इतना राग छोटा बड़ा होता है। पर अगर एक चीज कहने को, जैसे कालिदास का एक श्लोक है उस पर आप उसका सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन एक पंडित 1 घंटा भी कर सकता है और 3 मिनट भी कर सकता है, पर पूरा ये कोई मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होना चाहिए, हर कलाकार में एक अच्छे कलाकार में एक क्षमता होती है। तो किसी उद्योजक की ये महत्वाकांक्षा थी कि टेलीफोन के डायल टोन को जितना अवधि होता है उसमें लोगों को राग संगीत समझे। तो मैंने कहा पर गवैयों को ऐसे नहीं लगता है कि सड़क सड़क पर लोग राग समझे, मैंने कहा गवैयों की इच्छा नहीं होनी, गवैयों की इच्छा होनी चाहिए ना 20 सेकंड में, क्योंकि राग जो होता है राग 1 मिनट में समझ में आ सकता है। देखो सामा मुझे एक अप एंड कमिंग गायक ने पूछा था एक बार, उसने मुझे पूछा यही है ना भटियार, मैंने कहा तुमने ऐसे भटियार को मुट्ठी में पकड़ा कि वो मुट्ठी खोलते खोलते मुझे 10-15 साल लग गए कि कितनी बात छुपी है मुट्ठी में। तो ये भी एक अप्रोच है राग को कहने का, मतलब क्या सीएल नमक का क्या केमिस्ट्री की परिभाषा होती है, सीएल एनएसीएल अपर नमकीन चीजें सैकड़ों बनती है,
नमक अपना स्वाद पराठे में अलग देता है, समोसे में अलग देता है ना। तो ये एक इत्मीनान की बात है, टाइम जितना मिलता है उतना उतने टाइम में अपने कला अपना समग्र विचार पेश करना एक फॉर्म होता है। अच्छा पंडित जी, इसी से जुड़ा फिर एक सवाल और है मेरे जहन में। आप फिल्म संगीत को भी बहुत लोग कई बार बहुत कमतर आंकते हैं, कहते हैं बहुत हल्की चीज है, बहुत 5 मिनट 2 मिनट और दिस दैट। आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया है और बहुत अप्रतिम वो चीजें भी हैं। अब वहां पर जब लिमिटेशन होती है कि 5 मिनट है और 6 मिनट है, तो किस तरह का माइंडसेट करना पड़ता है, वो कितना जटिल होता है, कितनी बड़ी चुनौती होता है? नहीं, बहुत इट्स अ डिफरेंट स्किल। और देखिए, फिल्म संगीत में जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें 2-5 मिनट ही होता है, पर उसमें एक अच्छा, जैसे सी रामचंद्र हो या नौशाद हो या मदन मोहन हो, ऐसे कंपोजर ने वो धुन को 10-12-15 दिन सोच के बनाया है। लता जी जैसे ने उसको अत्यंत स्वर्गीय तरीके से गाया है, किसी ने अत्यंत सुंदर लिखा है। और वो इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट का भी एक परिपूर्ण, प्रोडक्ट का अपना मजा होता है। जैसे सिम्फनी संगीत भी एक प्रोडक्ट है, इन द सेंस इट इज प्री कम्पोज, पर उससे उसका महत्व कम नहीं होता है। और अच्छा है कि उनको और बढ़ाने का मौका नहीं, तो कई बार बढ़ाने का मौका मिलाने से लोगों ने संगीत को खराब ज्यादा किया है बल्कि अच्छा, क्योंकि हर किसी के पास उपज नहीं होती है। 2 मिनट का जो कंटेंट है वो 20 मिनट गाने की प्रतिभा हर एक गायक के पास नहीं होती है, और किसी गायक के पास होगी तो हर 18 मिनट वो काम करती ही रहेगी, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए मुझे, मैं कभी अलग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा कि किशोरी अमोनकर की जिसमें रंग न जमा हो ऐसी महफिल में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एज कम्पेयर टू जुबिन मेहताज वेल परफॉर्म्ड सिम्फनी, क्योंकि वो तो पूर्व निश्चित ही बजा रहे हैं। किशोरी जी कुछ नया करने का कोशिश करती है तो कभी वो बात बनती है, कभी नहीं भी बनती है। इसलिए हमारे मराठी में कहावत है, यशा होनी ही प्रयत्न सुंदर। रस से यश प्राप्त करने से उसके लिए जो कोशिश होती है वो बहुत सुंदर होती है। इसलिए हमारे संगीत में आप प्रीडिटरमिन्ड नहीं गाएंगे तो ही नई बात बनेगी ना। हाँ, तो फिल्म संगीत को मैं ओछा नहीं सोचता, नंबर वन। नंबर टू दूसरा है कि मैंने जो प्लेबैक किए वो लकीली है, उसमें ऐसे सीन्स नहीं थे कि हेमा मालिनी के पीछे धर्मेंद्र भाग रहे हैं उपवन में और मैं प्लेबैक दे रहा हूँ। मेरे बचपन से मेरे को जो प्लेबैक मैंने जितने दिए वो सब गुरु के ही दिए। सबसे पहले विजेता में भी गुरु आके रेखा जी को सिखाता है गाना, एंड रेखा इज अ हाउसवाइफ और घर में संगीत का, तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर लेकिन फिल्म में जो मैंने गाया वो भी गुरु गुरु ही अपने शिष्य को बताया, ऐसे था। तो जब मेरी उम्र, मतलब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे को प्लेबैक गुरु के ही मिले और उसमें मुझे मुक्त स्वातंत्र था, तो ऐसे ही मेरे को ये नहीं पड़ा। पर एक मराठी फिल्म में मैंने लता जी के साथ भी गाया था, तो ऐसे टू दी पॉइंट गाने की गवैये हैं ना, काफ़ी बिगड़े हुए मिजाज होते हैं गवैयों के। वो समझते हैं कि हम तो कुछ शब्दों के परे हम लोग हैं, उच्चारण उनके ठीक नहीं होते हैं, और वो समझते कि हम कुछ भी उपज कर सकते हैं तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो फिल्म गाना एक अलग चुनौती है, इट्स अ डिफरेंट म्यूजिकल फॉर्म एंड इट इज़ नॉट एन इन्फीरियर फॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और तमाम अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई, और इस इंटरव्यू को हम आपके आपके आशीर्वाद के स्वरूप लेते हैं, क्योंकि आप जैसे कलाकारों से मुलाकात करना, बातचीत करना, वो अपने आप में एक सौभाग्य है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका।